नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब पढ़ाने वाला ही बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें करे तो शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा होना तय है। भारत की संस्कृति में गुरु को माँ बाप से भी बढ़कर माना जाता है, लेकिन ये गुरु तो घंटाल निकला। गुरु का चोला पहने शिक्षक ने बेहद शर्मनाक हरकत कर दी है। ये खबर उन सभी लोगों के लिए है जिनके घर के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये खबर उनको सावधान करने के लिए है। बता दें, शाहजहांपुर के ददरौल प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में हाई स्कूल में एक दरिंदा कंप्यूटर टीचर बनकर हैवानियत करता था, जिसका नाम मोहम्मद अली है। उसके टारगेट में थी 13 नाबालिग छात्राएं। उसका अड्डा था स्कूल का शौचालय। शौचालय में ही अली छात्राओं को ले जाकर शारीरिक शोषण करता था। टीचर काफी समय से छात्राओं का शोषण कर रहा था। यौन शोषण का शिकार हुई एक छात्रा ने पहले अपने माता पिता को कंप्यूटर शिक्षक की हरकतों के बारे में बताया। कहा कि टीचर गंदे तरीके से हमें छूता है। उसके बाद ग्राम प्रधान ने पुलिस से शिकायत की और मामला खुला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने स्कूल के शौचालय से इस्तेमाल किए गए कंडोम बरामद किए हैं। कंडोम की संख्या को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि टीचर काफी समय से छात्राओं का शोषण कर रहा था। अभी तक की जांच में पता चला कि 13 नाबालिग छात्राओं से टीचर ने संबंध बनाए थे। सभी छात्राएं दलित हैं। आरोपी कंप्यूटर शिक्षक मोहम्मद अली के साथ ही प्रधाना अध्यापक अनिल कुमार और सहायक शिक्षिका साजिया पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी कंप्यूटर टीचर मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया है। उपरोक्त प्रकरण थाना तिलहर के रायखुर्द में जूनियर हाई स्कूल के संबंध में है। सूचना मिलती है कि जूनियर हाई स्कूल में कंप्यूटर निदेशक के पद पर तैनात एक शिक्षक के द्वारा उसी स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई। उक्त घटना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपरोक्त प्रकरण की जांच चल रही है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमार गौरव ने बताया, 50 लड़कियों सहित 112 छात्राओं में से केवल 35 छात्रा स्कूल पहुंची थी। 13 लड़कियों के साथ जो हुआ उसके बाद माता पिता और छात्राएं डरी हुई हैं। उन्होंने कहा, विभाग छात्रों और अभिभावकों की काउंसलिंग करेगा। जब तक हम उनके बीच विश्वास नहीं पैदा कर पाएंगे, तब तक छात्रों की संख्या में सुधार नहीं होगा। हमें अपने शिक्षकों को भी संवेदनशील बनाना होगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राम प्रधान रामपाल ने कहा, इस घटना ने माता पिता में दहशत पैदा कर दी है। शिक्षण संस्थानों को छात्रों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है। दुर्भाग्य से कुछ शिक्षकों ने स्कूल को शर्मसार कर दिया है। एक अन्य ग्रामीण ने कहा, इस भयानक घटना से गुजरने वाली कुछ लड़कियां शायद ही स्कूल आ सके। शिक्षक के दुराचार ने उन्हें आहत कर दिया है। इनसे उबरने में समय लगेगा। इस घटना ने उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है और उन्हें हमेशा लगेगा कि स्कूल भी उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। इस बीच स्कूली शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा, ऐसी घटनाओं की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जल्द ही एक महिला कर्मचारी होगी। राज्य के सभी 75 जिलों में कार्यरत इन स्कूलों में पुरुष कर्मचारियों के अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक आवासीय शिक्षा देने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया है। सर, ये मामला बिल्कुल सच्चाई पे आधारित है। इनके संग वास्तव में लैंगिक और इनका मानसिक उत्पीड़न दोनों ही किए गए हैं। बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न करने के पश्चात मोहम्मद अली से लैंगिक उत्पीड़न कराया जा रहा था। शाजिया खान इनका मानसिक उत्पीड़न कर रही थी कि अपने घर वालों को नहीं बताना है। लेकिन मैं बच्चों को इतना प्रेम से पढ़ाती हूँ कि मेरे बच्चों ने अपनी माँ से ज़्यादा मुझे अपनी माँ समझा और अपनी पूरी बात बताई। क्योंकि हम बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं कि यौन उत्पीड़न आपको बर्दाश्त नहीं करना है, तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया, मैंने अपने प्रधानाध्यापक को बताया, उन्होंने कोई भी इस पर एक्शन नहीं किया। और जो हमारे यौन करता है, यौन उत्पीड़न करता, उनका पूरा साथ देते रहे और बड़ी हिम्मत करके अभिभावकों की मदद से, हमारे ग्राम मुखिया श्री रामपाल प्रधान जी की मदद से आज मैं न्याय की गुहार लगा रही हूँ और अपने बच्चों को इंसाफ पाने के लिए अग्रसर हूँ। और जब तक चाहे मेरी जान चली जाए, मैं भी दो बेटियों की माँ हूँ, लेकिन अगर मेरी बच्चों को इंसाफ नहीं मिला, मैं लखनऊ तक जाऊँगी, योगी तक जाऊँगी मैं सीधे। मुझे इंसाफ हर हालत में चाहिए, क्योंकि लव है जिहाद चलाया जा रहा था मेरे स्कूल में। मैम ये बताइए, प्रधान अध्यापक ने कुछ भी कोशिश नहीं। मैम ये बताइए, इतनी बच्चियां, 13 बच्चियां, ये एक ही स्कूल की हैं? एक ही स्कूल की हैं। एक ही क्लास की हैं? अलग अलग हैं, अलग अलग क्लास की हैं। तो ये क्या करता था ये, मतलब ये बच्चों के हमारे प्राइवेट स्पार्क को, क्या नाम था उसका, मोहम्मद अली, ठीक, प्राइवेट स्पार्क को टच करता था, उन्हें नोचता था, उन्हें खसोटता था, बहुत बुरा करता था।
बच्चियों ने बड़ी हिम्मत करके बताया। बेहद शर्मसार करने वाली ये खबर हमें सावधान करने वाली है। ये कलयुग है, इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों से हम हर विषय पर खुलकर बात करें और उन्हें कैसे सतर्क रहना है ये भी बताना बेहद जरूरी है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।